हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ। दोस्तों, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जो आरपीएससी एग्जाम लेती है 2021 का, वो एग्जाम प्री के लिए आपका आज हुआ है और लाइव तो मतलब सेशन के तुरंत बाद ही आ जाता। जैसे ही पेपर देखा मतलब मजा आ गया कि यार इस पेपर में भी वो परंपरा कायम रही है जो परंपरा पिछले 5-6 साल से हमेशा रहती आई है। जब भी कोई पेपर आता है और विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं तो विज्ञान के क्वेश्चन लक मान सकते हो, मेहनत मान सकते हो, संयोग मान सकते हो, आप सब लोगों के प्यार और दुआ का फल मान सकते हो। कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं हमारी जो क्लासरूम स्टडी होती है, हमारे नोट्स होते हैं, वहीं से टपक रहे हैं। भाई किस्मत है, क्या करें, है ना। तो थोड़ा खुश हुआ, ऐसे खुश हुआ कि यार चलो जो बच्चे जुड़े जिन्होंने भरोसा किया, जो बच्चे साथ में इतनी बड़ी एग्जाम के लिए इतने छोटे से आदमी को, इतने साधारण से आदमी को जिम्मा सौंप दिया साइंस का कि सर बस आप तो पढ़ा दो, हमारे इसका जुगाड़ यहीं से करेंगे। तो बड़ी बात थी मेरे लिए, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो मेहनत की। तो आज आपको विद प्रूफ मैं ये दिखाने वाला हूं कि आरएएस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है और क्लासरूम में कहां डिस्कस किया है, विद प्रूफ दिखाने वाला हूं ये बात आपको। तो दोस्तों, सेशन को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। लाइव तो जस्ट तुरंत बाद ही आ जाता मैं, बट तबीयत आज सुबह से मतलब काफी ज्यादा मतलब गड़बड़ थी, लेकिन फाइनली हिम्मत हो गई कि नहीं चलिए चलते हैं यार, कोई नहीं फिर लेट हो जाएंगे यार। बच्चों को मैसेज तो जाना चाहिए ना कि आपने जिस टीम पर भरोसा किया, आपने जिस कंटेंट पर भरोसा किया, वो भरोसा खरा उतरा है पेपर में, और आगे के पेपर्स में भी इसी तरह कोशिश करेंगे कि आपके भरोसे पर खरे उतरें। चलिए दोस्तों, सेशन को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। आप सबके प्यार और सहयोग से ही हमारी जो ग्रोथ है दोस्तों, अपने परिवार की जो ग्रोथ है वो संभव हो सकती है। तो शेयर कीजिएगा सेशन को, और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए बात करते हैं हम लोग आरएएस प्री एग्जाम 2021 जो कि आज लगा है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं और उनका एनालिसिस लेने वाले हैं कि क्या उनका फाइनल आंसर रहने वाला है। अगेन कह रहा हूं, आंसर विल बी फाइनल, यहां भी चेंज नहीं होगा और वहां भी चेंज नहीं होगा, फाइनल है मतलब फाइनल है, नो चेंज। चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले पेपर निकालते हैं और पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं हम लोग। साइंस के क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि हाँ सर डिस्कस हुआ ये क्लासरूम में। पहले आंसर बता दूंगा, उसके बाद साथ में ये भी बता दूंगा कि भाई देखो कहां पढ़ाया था, है ना। चलिए आ जाए बस क्वेश्चन एक बार हमारे राडार पे, नहीं चलिए देखेंगे। आए किधर रह गया यार, बड़ा इंतजार करवाते हैं ये प्रश्न, है ना। पहले एग्जाम इंतजार करवाती है फिर ये प्रश्न इंतजार करवाते हैं। चलिए, बड़ी देर हो गई नंदलाला, क्या रहा रे यार। चलो चलो चलो, सूची वन को सूची टू से मिलाइए। पेपर का लेवल काफी अच्छा बता रहे हैं, देखो साइंस तो मैंने देखी है, साइंस भी काफी ठीक आई है, बाकी जो सेक्शंस हैं वो भी काफी अच्छे आए हैं, और जो जीके वगैरह का जब मैंने देखा सिस्टम तो सुना है कि भाई काफी अच्छा पेपर रहा है, काफी ठीक लेवल रहा है पेपर का। तो साइंस के क्वेश्चन यार थोड़ा सा नीचे हैं, है ना, तो इसलिए एक एक को देखते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है अपने को, है ना। तो तब तक आप एक बार शेयर कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से जो है ये रहा। देखो भैया, पहला क्वेश्चन देखते ही पहचान जाओगे कि डिस्कस हुआ है, देखते ही पहचान जाओगे। बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में जो है खोलना चाहूंगा, क्योंकि वन सेकेंड, यस कमेंट बॉक्स खोलेंगे एक बार। शेयर कीजिएगा बच्चों सेशन को, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है और फॉर आरएएस एग्जाम। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता ये है और शिशु ये है। देखिए, हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी है हमेशा से, और वो प्रॉब्लम ये पढ़ी है कि दोस्तों वन सेकेंड, ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी है कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें
पहली संतान तो स्वस्थ पैदा हो जाती है लेकिन दूसरी संतान जो होती है वो स्वस्थ पैदा नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों अगर एक RH प्लस पुरुष की शादी एक RH माइनस स्त्री से हो जाती है तो अगर संतान RH प्लस हो रही है तो RH प्लस का ब्लड RH माइनस को नहीं चढ़ाया जाता। ये आप ब्लड देते समय भी ध्यान रखते हैं कि प्लस का ब्लड पॉजिटिव का ब्लड कभी भी नेगेटिव की बॉडी में नहीं भेजा जाता है ना। लेकिन अब बच्चा तो आ सकता है ना यार, बच्चे का ब्लड ग्रुप हम थोड़ी ना तय करेंगे। अब बच्चा प्लस वाला आ गया पहली बार तो वो स्वस्थ पैदा हो जाएगा क्योंकि मां के शरीर में पहली बार में उसके लिए एंटीबॉडी नहीं बने होते। लेकिन जब नेक्स्ट डिलीवरी होगी या नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब होगी तब तक मां की बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी और मां की बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो सेकंड थर्ड जो RH प्लस संतानें होगी उनकी RBC का गर्भावस्था में ही पाचन कर दिया जाएगा और इस प्रॉब्लम को हम गर्भ रक्ताणु कोरकता एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये प्रॉब्लम होती कब है, जब दोस्तों माता हो RH नेगेटिव और शिशु हो RH पॉजिटिव। ढूंढ लो ऑप्शन, माता RH नेगेटिव और शिशु क्या हो RH पॉजिटिव। आंसर इज फर्स्ट, नो डाउट, मदर RH पॉजिटिव, शिशु भी मदर RH नेगेटिव और शिशु RH पॉजिटिव। बात समझ में आई क्या? चलो अब आपको यह दिखा देता हूं कि यह क्वेश्चन पढ़ाया किधर था, ठीक है? तो ये भी बता देता हूं आपको, आप भी कहेंगे कि यार मजा ही आ गया। नहीं, चलिए तो ये आपको दिखा देता हूं कि ये क्वेश्चन पढ़ाया कहां था, ये क्वेश्चन पढ़ाया कहां था, देख लेना, खुद देख लेना। ये रहा देखो, ये रहा, ये मेरी फोटो रही और ये क्लासरूम रहा। ये प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन करवाया था, गर्भ रक्ताणु कोरकता की समस्या किस अवस्था में होती है। मदर RH पॉजिटिव, फादर RH नेगेटिव, चाइल्ड RH पॉजिटिव, मदर RH नेगेटिव, फादर RH पॉजिटिव, चाइल्ड RH पॉजिटिव। मैंने तो मदर फादर तक की बात की है, और मदर फादर तक की बात की है तो क्या मदर RH नेगेटिव, फादर RH पॉजिटिव और संतान जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, वो भी RH पॉजिटिव। इस केस में ये समस्या देखने को मिलती है और इससे बचने के लिए जो फर्स्ट डिलीवरी है उसके 24 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे रोगाम इंजेक्शन कहते हैं। क्लियर? तो ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है आपको क्लासरूम में, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है, राज्य पुष्प रोहिड़ा। आपसे पूछा जाए राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, तो राजस्थान का राज्य पुष्प है दोस्तों रोहिड़ा। पूछने की जरूरत नहीं है, राजस्थान का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में छपा हुआ होता है, ठीक है? बाकी डिस्कस भी हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, ये मतलब अगर आपने कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की है तो दोस्तों ADEK वसा में घुलनशील और B और C ये वाटर सोल्यूबल, तो ये अच्छे से सबको पता होता है। तो इनमें से आप क्या कर देंगे, आप ऑप्शन नंबर 3 कर देंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए एंड डी। यहां पे तो यही है, क्लियर? बोलो कोई दिक्कत? ए और डी जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। ये भी दिखाऊं आपको, दिखाने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं दिखा दूंगा, ठीक है? आगे बात करें कड़कनाथ। दोस्तों जिस व्यक्ति ने नॉनवेज खाया है और स्पेशली जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन मतलब मजेदार हो गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों कड़कनाथ जो है ये आपके मुर्गे की किस्म है और कड़कनाथ नाम का जो मुर्गा है इसको क्या किया जाता है दोस्तों, मांस के रूप में जो है खाया जाता है। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, इजीली आप कर डालेंगे। फिर मैं आपको ये दिखा दूंगा लास्ट ही लास्ट की स्लाइड पे, आपको ये बता दूंगा कौन सा प्रश्न कहां से एग्जाम में टपका है ना, ये भी बता दूंगा आपको। चलिए आगे बात की जा रही है स्टेथोस्कोप। दोस्तों स्टेथोस्कोप जो आपका होता है ये क्या करता है, इसमें आप हृदय की धड़कन सुनते हो, डॉक्टर गले में लटका के चलते हैं ना, तो एक वो होता है उससे लगाते हैं स्टेथोस्कोप। ये क्या करता है दोस्तों, ये ध्वनि के मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर, ध्वनि के बहुल परावर्तन पर कार्य करता है। ये ध्वनि तरंगे छोड़ता है, टकराकर वापस लौटती है तो हमें हार्ट बीट सुनाई देती है। तो स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप में जो दो साउंड आते हैं वो आते हैं लब और डब। लब साउंड फर्स्ट साउंड है हार्ट का और डब साउंड सेकंड साउंड है। क्लियर? लब एंड डब। और उसके बाद बात की जाए तो अगर हमारे जो कपाट हैं, हमारे जो वाल्व है हार्ट में, उनमें अगर कोई दोष हो जाता है तो स्टेथोस्कोप में मरमर का साउंड आता है। कौन सी ध्वनि आती है? मरमर का साउंड, ठीक है? चले आगे, आगे क्वेश्चन देखिए। ये दोस्तों आप कैमरा यूज में लेते हो, आप मोबाइल से फोटोज खींचते हो और आप बहुत कुछ, मतलब जब आप मोबाइल से फोटो खींचते हो तो उसके बगल में उसका रेजोल्यूशन लिखा रहता है। तो ये दिया हुआ है दोस्तों 16:9 रेशो का पिक्चर एस्पेक्ट रेशो है, उसके साथ डिस्प्ले का रेजोल्यूशन क्या होगा। तो 16:9 का जनरली ये होता है दोस्तों पिक्चर की हाइट और पिक्चर की विड्थ का रेशो।
पिक्चर की ऊंचाई और पिक्चर की चौड़ाई, उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपका पिक्चर एस्पेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पिक्चर एस्पेक्ट, है ना। और यही रेशियो आपको किसका मिलने वाला है? डिस्प्ले रेजोल्यूशन का। अब देख लो, 1080 1080 है तो 1:1 हो गया। ओके, 1920 1080 को जब आप करोगे तो 1920 और 1080 का जब अनुपात निकालोगे तो ये 16:9 आने वाला है, यही आपका डिस्प्ले रेजोल्यूशन है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा यहां पर? ऑप्शन नंबर 2, 9020 × 1080 pixels, ये आपका क्या है यहां पर? रेजोल्यूशन है। कैसे निकलेगा? पिक्चर एस्पेक्ट को किसमें कन्वर्ट कर दो आप लोग जो है रेशियो में कन्वर्ट कर दो, वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अरे यार मीथेन, टेंशन ही नहीं लेनी इसकी। तो अगर आपसे एलपीजी पूछता तो आप क्या कर देते? ब्यूटेन कर देते, है ना। लेकिन सीएनजी पूछ रहा है, बायोगैस पूछ रहा है, कोल गैस अगर आपसे पूछता है, एलएनजी पूछता है, तो आप सीधा क्या कर दीजिए? मैथेन कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पिछली शताब्दी में, पिछले 100 साल में, यानी 1901 से लेके और 2000 तक का जो साल था, यानी शताब्दी में, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो लगभग 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 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड को फॉरनहाइट में जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? 1.8 डिग्री फॉरनहाइट की जो ग्रोथ है वो किसमें हुई थी बताइए? जो आपका अर्थ है उसके एवरेज टेम्परेचर में रही। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत, ये स्टेट का भी क्वेश्चन मान सकते हैं आप, टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन मान सकते हैं कि भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर कार्य करने वाला राजस्थान या स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जहां से आप सुदूर संवेदन की प्रक्रिया के द्वारा उपग्रहों को या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को कंटेगा, आपको इसका सेंटर, आपको जोधपुर में इसका सेंटर देखने को मिलेगा। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत है? सेंटर कहां देखने को मिलेगा? जोधपुर के अंदर। ठीक है, आगे बात करें, राजस्थान में सौर वेधशाला, दोस्तों जोधपुर नहीं, सॉरी ये उदयपुर है। राजस्थान में सोलर ऑब्जर्वेटरी कहां पर है बताइएगा? उदयपुर के अंदर है। सौर वेधशाला, सोलर ऑब्जर्वेटरी कहां पर है? ये उदयपुर के अंदर। सबसे सिंपल जो होता है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स और सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, और इसकी एक ट्रिक भी बताई थी क्लास में कि ऐसा मलेरिया जिस फैला देते हैं, कह देते हैं भाई ले जाओ, हाथ पैर फैला देते हैं, हाथ पैर ऊपर कर देते हैं, दुर्दम मलेरिया, सबसे घातक मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के कारण होता है। प्रूफ भी दे दूंगा, टेंशन मत लो। क्लियर, आगे बात की जाती है दोस्तों, MOEMs का पूर्ण रूप क्या है? टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है और फुल फॉर्म जो है इसकी वो है आपकी माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे आप? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, यानी कि दोस्तों बहुत सूक्ष्म आकार के जो प्रकाशीय सिग्नल होते हैं उनको ग्रहण करने के लिए जो डिवाइस बनाई जाती है या जो तंत्र बनाया जाता है उसको बोलते हैं माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो बहुत छोटी साइज में हो, जो कि प्रकाशीय के तरंगों को क्या कर सके? डिटेक्ट कर सके, इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पर काम करे, साथ ही साथ यांत्रिक डिवाइसेस में इसे काम में लिया जा सके। ठीक है, तो MOEMs की फुल फॉर्म है। अगली बात की जाए DRDO का आदर्श वाक्य, जब डिफेंस टेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे, रक्षा प्रौद्योगिकी, जब DRDO पढ़ेंगे तो वहां पे ये लाइन सबसे पहले पढ़ाई जाएगी कि रक्षा अनुसंधान संस्थान, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत का सबसे अग्रणी रक्षा संस्थान है, जो कि मिसाइल्स वगैरह, तोप वगैरह, टैंक्स वगैरह डेवलप करता है, तो इसका जो आदर्श वाक्य वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि साइंस इज द रूट ऑफ फोर्स, साइंस इज द रूट ऑफ स्ट्रेंथ, बल की, ताकत की, शक्ति की जो मूल इकाई है वो क्या है बताइए? विज्ञान है। ये स्टेटमेंट किसका है? DRDO का। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है? पहली बात समझिए, जूनोटिक रोग वो रोग होता है दोस्तों जो कि अपने रोगजनक के बाद किसी अमानवीय पशु के अंदर, किसी अमानव पशु में हो और उसके बाद वो कहां पर हो? मानव के अंदर हो। यानी ऐसा रोग जो रोगजनक से पहले किसी नॉन ह्यूमन एनिमल के अंदर हो और उससे वो मानव के अंदर क्या हो बताइए? ट्रांसफर हो, तो ऐसे रोग को हम जूनोटिक कहते हैं। क्लियर, अब सबसे पहले प्लेग की बात करते हैं, तो प्लेग दोस्तों बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया के बाद ये चला जाता है चूहों की बॉडी पर, एक पिस्सू पाया जाता है फ्ली उसके अंदर, और उस पिस्सू के बाद ये आता है इंसान में। तो आप देख लीजिए, दूसरा एनिमल होस्ट पकड़ा है, सारस,
सारस रोग जो कि कोरोना वायरस का ही छोटा भाई है ना, बड़ा भाई मान सकते हो, पहले आया था सारस सीओवी फर्स्ट, कोरोना वायरस सारस सीओवी टू है, क्लियर। तो आप सारस के बारे में जब पढ़ेंगे, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो इसका जो वायरस था वो कोरोना वायरस ग्रुप ही था और ये चमगादड़ों के द्वारा फैल रहा था, है ना, चमगादड़ों के द्वारा फैल रहा था। तो इसका मतलब वायरस है, वायरस से बाद कहां गया, चमगादड़ों में, और चमगादड़ों से इंसानों में आया। रेबीज की बात करेंगे, वायरस से फैलता है, वायरस के बाद जाता है पागल कुत्ते बिल्ली बंदर भेड़िए वगैरह के अंदर और फिर वहां से आता है इंसानों में। लेकिन दोस्तों म्यूकर माइकोसिस, जिसको आप ब्लैक फंगस कहते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक फंगस, और ये ब्लैक फंगस जो है ये क्या होता है, जो गंदगी होती है या जो सड़े गले फलों के छिलके होते हैं, बासी रोटियां होती हैं, फ्रिज वगैरह के अंदर जो गंदगी या जो फंगस जमी हुई होती है, तो वो फंगस सीधा इंसान के कॉन्टेक्ट में आके उसे इन्फेक्ट करती है, बीच में किसी दूसरे एनिमल होस्ट की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों, यहां पे म्यूकर माइकोसिस 101% है, तुक्का सारी दुनिया लगा लेगी लेकिन फंडा कोई नहीं बताएगा। बोलो समझ में आ गई बात, ये रहा फंडा, क्लियर। लास्ट ही लास्ट में विद प्रूफ आपको एक एक चीज दिखा दूंगा कहां पढ़ाई है, ठीक है। आगे बात करिए, ट्राइसोमी 21 को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ट्राइसोमी का मतलब होता है जोड़े में दो की जगह तीन मेंबर हो जाना, और 21वें जोड़े में दो की जगह तीन मेंबर होते हैं किसके अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर, किसके अंदर, डाउन सिंड्रोम में 21st पेयर में दो की जगह तीन गुणसूत्र हो जाते हैं, क्लियर। आगे बात करें, आगे बात करेंगे क्वांटम डॉट्स क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी के 5 लेक्चर्स पढ़ाए हैं, राजस्थान एसआई के भी सारे क्वेश्चंस नैनो टेक्नोलॉजी के नोट से थे, और यहां पर भी आप देखिए एक सेमीकंडक्टर नैनो संरचना जो कि गैलियम आर्सेनाइड है ना, कैडमियम सल्फाइड आदि की बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम डॉट, क्लियर। तो अर्धचालक नैनो संरचना है जिसे आप क्वांटम डॉट कह रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति बैंड इनसेट या जी सेट, क्लियर। ये दोस्तों भारत की उपग्रह प्रणाली है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ओके, इसमें कम्युनिकेशन हेतु प्रयोग में नहीं लिया जाता। अब ये KU बैंड, MF बैंड, C बैंड, K बैंड क्या होते हैं, ये आप पढ़ेंगे दोस्तों सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर। चलिए आपको दिखाता हूं सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और ये रहा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लास्ट ही लास्ट में फिर आपको एक एक इमेज दिखाऊंगा मैं। देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैंड काम में आते हैं, सबसे पहले आप देख रहे हो L बैंड आता है GPS सैटेलाइट्स के अंदर, जो ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट्स होते हैं GPS, जिनके द्वारा की गूगल मैपिंग वगैरह चलती है, उनके अंदर कौन सा बैंड आता है, L बैंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 2 गीगाहर्ट्ज होती है। S बैंड की फ्रीक्वेंसी 2 से 4 गीगाहर्ट्ज होती है, और ये वेदर राडार के अंदर, जो मौसमी राडार होते हैं उनके अंदर, सतही राडारों के अंदर, इनके अंदर क्या आते हैं, काम में आते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सी बैंड, ये किसमें लिया जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में लिया जाता है, किसके अंदर, जो सैटेलाइट टीवी चलते हैं उनके अंदर, और इसकी फ्रीक्वेंसी 4 से 8 गीगाहर्ट्ज के अंदर होती है। एक्स बैंड जो होता है 8 से 12 गीगाहर्ट्ज के अंदर होता है, क्लियर, और ये मिलिट्री के द्वारा क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है सेना के द्वारा। और KU बैंड जो होता है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन जनरली जो यूरोप वगैरह के इलाकों में ये क्या लिया जाता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग में काम लिया जाता है, जहां पे सीधा आपको प्रसारण करना हो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 12 से 18 हर्ट्ज होती है। और के बैंड जो होता है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के अंदर संचार उपग्रहों के अंदर क्या किया जाता है, ये लगाया जाता है, और विशेष रूप से जो क्लोज रेंज टारगेटिंग राडार्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं उनको, उनके जो टारगेटिंग राडार होते हैं जिनमें कि उनकी पूरी मोशन को क्या कर लिया जाता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है, उनमें आप का बैंड लेते हैं। तो के बैंड, KU बैंड, एक्स बैंड, सी बैंड, एस बैंड, एल बैंड, ये आपने पढ़े हैं, लेकिन कहीं पर MF बैंड पढ़ा है क्या, नहीं। तो याद रखिएगा MF बैंड का प्रयोग इनसेट के द्वारा ही नहीं, किसी भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा नहीं लिया जाता। तो MF बैंड जिसको बोला जाता है मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज, है ना, तो इसको काम में नहीं लिया जाता उपग्रह संचार के अंदर, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं, आगे जापानी एंसेफलाइटिस रोग, दोस्तों काफी बार डिस्कस हुआ है एंसेफलाइटिस जो होता है दिमागी बुखार को कहते हैं, जापानी दिमागी बुखार जापान से उत्पत्ति हुई, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और दोस्तों जापान से फैला, उत्पत्ति जापान से है लेकिन यूपी के गोरखपुर जिले में पाया जाता है बहुत ज्यादा, क्लियर। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम है उन्होंने मिशन दस्तक नाम से एक मिशन जो है वो जापानी एंसेफलाइटिस रोग और कुपोषण इन दोनों से निजात पाने के लिए चलाया, इनके उन्मूलन के लिए चलाया, और जापानी एंसेफलाइटिस रोग जो है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण फैलता है, ठीक है। अगला, जैव भार का उल्टा पिरामिड, दोस्तों संख्या के पिरामिड अधिकांशतः सीधे बनते हैं लेकिन वृक्ष पारित तंत्र में उल्टे बनते हैं,
जैव भार के पिरामिड अधिकांशतः सीधे बनते हैं, लेकिन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टे बनते हैं, और ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं। बिल्कुल दिखाऊंगा आपको, एक एक प्रूफ दिखाने वाला हूं, ठीक है। समुद्री उत्तर है, टेंशन ना लें, है ना। एक क्वेश्चन और है जो करंट अफेयर से पूछा गया है ना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, देखिएगा। एनालिसिस 100% श्योर है, एक क्वेश्चन का भी आंसर चेंज नहीं होगा, दैट्स माय गारंटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। बाकी बड़े बड़े चैनल्स पर जो आंसर कीज होती हैं, उनमें जाने कितनी गलतियां निकलती है, पता नहीं कैसे आंसर की लगाते हैं लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, आपको एग्जैक्ट एग्जैक्ट आंसर की मिलने वाली है। लीजिए दोस्तों, नाभि एमजी, नाभि एमजी क्या है? जौ की किस्म, गेहूं की किस्म, बाजरे की किस्म, है ना, इसके बारे में बात चल रही है। नाभि एमजी क्या है, क्लियर? तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेशनल एग्री फूड बायोटेक इंस्टीट्यूट, नाभि का मतलब तो ये है, नेशनल एग्रो फूड बायोटेक इंस्टीट्यूट, क्लियर। और जनरली ये किस्म है किसकी, गेहूं की, और गेहूं भी कौन सा, काला गेहूं, काले गेहूं की एक किस्म है, और इस काले गेहूं की किस्म को जो है रोग प्रतिरोधक किस्म माना जाता है। और बीकानेर में हाल ही में किसान ने इसको क्या किया बताइए, उगाया है, इसीलिए चर्चा में है करंट अफेयर्स में, क्लियर। तो नाभि वीट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नाभि एमजी किसकी किस्म है बताइए, गेहूं की किस्म है, वो भी काला गेहूं, क्लियर। आगे एक बात करने वाले हैं, एक क्वेश्चन और है जहां तक मैं उम्मीद लगाता हूं, ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, तियानवेन है, तियानवेन फर्स्ट, ये 2020 में दोस्तों चीन का पहला क्या है बताइए, चंद्रमा रोवर यान है, चीन का पहला, चंद्रमा नहीं, चीन का मार्स मिशन है ना, चीन का अंतरिक्ष यान है, चंद्रमा रोवर यान नहीं कहेंगे, चीन का अंतरिक्ष यान कहेंगे। और ये कहां के लिए भेजा है बताइए, चीन का फर्स्ट मार्स मिशन है ये, चीन का फर्स्ट जो है, बिल्कुल मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, करंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्लियर। चलिए एक बार और सर्च कर लेता हूं ताकि किसी भी टाइप का कोई डाउट जो है ना रहे। एज आई थिंक सो तियानवेन, बिल्कुल चाइना नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रोबोट मार्स, बिल्कुल। ये दोस्तों कहां पर भेजा गया था, मंगल पर भेजा गया था, तो आप चंद्रमा रोवर यान नहीं कह सकते, इंटरकॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय मिसाइल नहीं कह सकते, स्पेस स्टेशन नहीं कह सकते, ये क्या है दोस्तों, चीन का एक अंतरिक्ष यान है, क्लियर। अब बात आती है कि कहां क्या पढ़ाया, तो वो दिखा देता हूं आपको, देखो है ना, जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं वो तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट आपको दिखा दूंगा, टेंशन ना लें आप बिल्कुल भी। देखिए मैं क्लासरूम के स्क्रीनशॉट ही आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहला ये रहा दोस्तों, फैट सोल्यूबल विटामिन, सबसे पहला देख लो, ये रहा फैट सोल्यूबल विटामिन एडी के, बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, ये दोस्तों आपसे पूछा जाता है, मेगाफोन, लाउड स्पीकर, स्टेथोस्कोप, रिवर्बरेशन इसको बोलते हैं, अनुरणन, किसी बड़े हॉल के अंदर जो आवाज गूंजती है ना बार बार, ये किसके कारण होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण। मल्टीपल रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, बहुल परावर्तन, किसके कारण होता है दोस्तों, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एक एक क्वेश्चन का हिसाब दे रहा हूं आपको, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्लियर। क्लासरूम का क्वेश्चन है, क्लासरूम में पढ़ा चुका हूं। आगे बात करेंगे, ये लीजिए दोस्तों पारिस्थितिकीय पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, और इकोलॉजिकल पिरामिडों में यहां पढ़ लो, जैव भार का पिरामिड, बायोमास पिरामिड, और कैसा होता है उल्टा, कहां पर, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। ये क्या है बताओ, अपवाद, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जैव भार का पिरामिड क्या है दोस्तों, उल्टा है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो आपका बायोमास का पिरामिड है वो क्या है बताइए, उल्टा। क्लियर हुई बात यहां तक, देख लीजिए बिल्कुल क्लियर कट स्क्रीनशॉट है। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, आपसे पूछा जाता है 21वीं जोड़ी में दो के स्थान पर तीन गुणसूत्र, ये लिखा हुआ ट्राइसोमी, कौन सा सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति को मंगोलियन इडियट कहते हैं। देख लो यार आंखें खोल के आराम से, क्लासरूम में पढ़ा हुआ है, जो बच्चे ने पढ़ा हुआ वो तो वैसे ही समझ जाएगा। ये आरएएस एग्जाम की बात चल रही है यार, आरएएस में डिट्टो जो क्वेश्चन सामने है वो आपके सामने दिखेंगे आपको। अगला क्वेश्चन गर्भरक्ताणु कोरकता बता ही चुका हूं। अगला देखिए प्लाज्मोडियम, दोस्तों दुर्दम मलेरिया की बात चल रही थी, और दुर्दम मलेरिया में ये रहा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, घातक मलेरिया, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स सबसे सिंपल है, सबसे ज्यादा प्लाज्मोडियम मलेरी फैलता है, और दुर्दम मलेरिया, घातक मलेरिया, जानलेवा मलेरिया, लेथल दोस्तों कौन सा है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। बात समझ में आ गई क्या, बोलिए।
क्लियर। और उसके बाद चलिए, उसके बाद दोस्तों क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स मेरे चेहरे से छिप गया, अदरवाइज यहां पे लिखा हुआ था अर्धचालकों की बनी युक्तियां, देखो यहां लिख लो कैडमियम सेलेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, इंडियम आर्सेनाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक आर्सेनाइड, जिंक सेलेनाइड वगैरह की अर्धचालक युक्तियों की बनी हुई है, क्लियर। और क्या बोलते हैं क्वांटम डॉट्स, या इनको क्या बोलते हैं, नैनो रोड, नैनो रोड बोलते हैं, है ना। यहां चेहरे से छिपा हुआ था, ये अर्धचालक युक्तियों के बने हुए हैं, जैसे सिलिकॉन है ना, कैडमियम सेलेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, इंडियम आर्सेनाइड, जिंक सेलेनाइड आदि के ये बने हुए होते हैं, क्लियर। ये नैनो टेक्नोलॉजी की क्लास है, देख लीजिए आप, भले नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो तकनीकी का इतिहास व विकास पढ़ाया हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी के 5 लेक्चर्स डले हुए हैं, चाहो तो ये देख सकते हो, सेकंड क्लास में मिलेगा, सेकंड क्लास में मिलेगा, क्लास नंबर 2 के अंदर, ठीक है। नैनो रोड या इनको क्वांटम डॉट्स बोला जाता है, 10 नैनोमीटर के बराबर इनका डायमीटर होता है, क्लियर। इनका प्रयोग डिस्प्ले तकनीक और फोटो डिटेक्शन के अंदर प्रकाश संसूचन में किया जाता है, क्लियर, ठीक है। आगे आगे बात कर रहे हैं जापानी एंसेफेलाइटिस रोग, दोस्तों दिमागी बुखार, और ये रहा जापानी एंसेफेलाइटिस रोग, एंसेफेलाइटिस ये पढ़ लो, दिमागी बुखार कहां होता है, दिमाग में, जापान से फैला, यूपी के गोरखपुर जिले में, और दस्तक मिशन 12 फरवरी 2018 को चलाया गया। ये वायरस का नाम है फ्लेवी वायरस, और दोस्तों वाहक का नाम है फीमेल क्यूलेक्स वायरस, क्या हिसाब चाहिए इससे ज्यादा तुम्हें, क्लियर। और अगला देख लो, ये कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, मुर्गी पालन में मांस जो मुर्गी देती है ब्रॉयलर्स कहलाती है, अंडे देने वाली लेयर्स, और देसी मुर्गों की किस्म में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये रहा कड़कनाथ, कड़कनाथ नॉनवेज बनाया जाता है, देसी मुर्गे, असील मुर्गों की लड़ाई में असील काम आता है, ये पूरा रहा दोस्तों मुर्गों का, विदेशी किस्म कौन कौन सी है ना, किस किस किस्म से अंडा और मांस दोनों मिलता है, रोडे आइसलैंड रेड है ना, व्हाइट लेग हॉर्न से अंडा, मांस असील व्हाइट कॉर्निश न्यू हैम्पशायर से प्राप्त होता है, डिटेल देख लो, मजा आ जाएगा आपको, मजा, क्लियर, ठीक है। और ये रहा दोस्तों आपके एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड की डिटेल्स। तो दोस्तों प्री का एग्जाम आपका हो गया है, प्री के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें से मैक्सिमम के तो स्क्रीनशॉट दिखा चुका हूं, बाकी एक दो टॉपिक्स हैं जैसे कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अभी मैंने यूट्यूब पर पढ़ाई ही नहीं है एक भी बार, है ना, तो एक दो क्वेश्चंस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रहे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बैच है परीक्षा एप्लीकेशन पर चल रहा है, और जब आप मेंस के लिए, आपके मेंस की तैयारी को सुदृढ़ बनाने के लिए अभी से आपके साथ जुड़ चुका हूं, हम लोग सेपरेट कोर्स जो है आरएएस मेंस के लिए डिजाइन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं लगातार, कोर्स जो है वो ऑलरेडी परीक्षा एप्लीकेशन पर डल चुका है, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है या जिन लोगों को लगता है कि आप मेंस के लिए क्वालिफाइड होने वाले हो, विज्ञान के पेपर के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आपका मेंस में एक पेपर के अंदर स्पेशल सेगमेंट है लगभग 150 से 200 नंबर का, उस सेगमेंट के लिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। द स्टडी कैफे परिवार आरएएस मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम स्कोर की गारंटी आपको देता है। प्री में आप प्रूफ देख चुके हैं, इससे पहले यूपीपीसीएस प्री का पेपर देख लो, 30+ क्वेश्चंस थे, एक एक क्वेश्चन क्लासरूम नोट से दिखा चुका था मैं। चलिए दोस्तों आइए, तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी कि कैसा रहा पेपर, क्या है आंसर्स, मेंस की तैयारी के लिए साथ में वापस मिलेंगे। अभी 8 बजे उन बच्चों के लिए रेलवे ओरिएंटेड सेशन है न्यूमेरिकल्स का, जो कि एग्जाम्स में बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं, पूरी फिजिक्स के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स का तोड़, पोस्टमार्टम, कल्याण, जुगाड़, झुमका, चबूतरा सब आज की क्लास में फिट करेंगे। 8 बजे जस्ट 2 मिनट बाद आ रहा हूं लाइव। चलिए दोस्तों आगे बात कल की कक्षा में, अभी की कक्षा में 8 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।